सो गाइस, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम आप सभी को त्रिकोणी दर्शन कराने वाले हैं चैत के नवरात्र में। रुको जरा, सबर करो। तो अभी हम लोग अष्टभुजा से आ चुके हैं काली खो मंदिर के पास और लगभग 6 इस समय बज चुके हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका पहाड़ों पे घूमते घूमते। तो अभी चल रहे हैं यहाँ पे, भी देखते हैं कैसा यहाँ का दृश्य है, वो आपको दिखाएंगे। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहना और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना साथ में। तो चलिए आपको लेके चलते हैं मंदिर के पास। और ये देखो, नाम बताओ, नाम नहीं बताओगे, वो शंकर जी हैं। चलो, तो गाइस हम लोग मंदिर के पास आ चुके हैं और 100 मीटर पहले ही आपको वहाँ पे गाड़ी को स्टैंड कर दिया जाएगा। और ये नवरात्र में ही ऐसा होता है ना, गाड़ी यहाँ पे लगभग आ जाते हैं। तो अभी खाली खाली है क्योंकि अभी 6 बज रहे हैं शाम को, तो इसलिए यहाँ पे खाली है। बाकी देखिए प्रशासन यहाँ पे है, खोया पाया केंद्र काली खो मंदिर, ये देखिए। और इधर मंदिर है तो अंदर आपको सीन दिखाते हैं। और यहाँ पे हनुमान जी है, ये देखिए। सो गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप काली खो आते हैं और यहाँ पे रोपवे का सवारी करना चाहते हैं तो यहाँ पे आने और जाने का आपको 40 रुपये का टिकट लेना होता है। और ये चीज़ अष्टभुजा धाम में नहीं है क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा चढ़ाई ऊपर है, हो सकता है इसके कारण वहाँ का प्राइस आपको 50 रुपया आने जाने का लिए हो, बट यहाँ पे 40 रुपया आने जाने का रोपवे का होता है। क्या हुआ, यहाँ नहीं भेजे तो? आए, जजमान सब के यहाँ आएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है? आपके यहाँ भी आएंगे जजमान, सभी लोग के यहाँ आइएगा, जब भी आइएगा। अगर आप लोग फैमिली साथ हो तो सब लोगों को आप लोग कवर करिएगा। बताइए, और क्या है, कौन है ये लोग? मेरा हाल सही, अपना बताओ। ठीक है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए बजरंग बली है, तो इनसे जरूर आशीर्वाद आप लोग लीजिएगा जब भी आइएगा। तो जय श्री राम। आप लोगों ने जो पिछला वीडियो में काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया था, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और पसंद आएगा हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और यहाँ पे चैत के नवरात्र में यहाँ पे अगर आते हो दर्शन करने के लिए तो त्रिकोणी दर्शन करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।